इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको फेसबुक इस तरीके से दिखाता है जब कोई और सी ऐप हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली वी आर सॉरी अनएक्सपेक्टेड एरर एक्यूरेट एरर रिक्वेस्ट फिल्ड विद स्टेटस कोड 400। तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फेसबुक को स्कैन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज जिस एप्लीकेशन से आप उसमें लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे गेम हो चाहे ऐप हो, तो आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है अकाउंट्स में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको जो है फेसबुक को स्कैनिंग पर लगा देना होगा। स्कैन होना चाहिए इसका स्टेटस, ठीक है। ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, यहाँ से स्कैन करा इस स्कैन इसको करा देना है, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है कि जो भी एप्लीकेशन आप, मतलब कि गेम मान लीजिए या ऐप मान लीजिए, इनडायरेक्टली आप फेसबुक से उसे कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप जो है कनेक्ट करने से पहले अपने फेसबुक में जो है एक दफ़े लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा आपको कि आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्टली लॉगिन हो रहा है तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ है और आप उससे कनेक्ट कर ले, लेकिन अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है तो यहीं पर वो इशू दिखा देगा। अब ऐसा भी नहीं कि जो सर्वर हैं वो डाउन नहीं होते, सर्वर वगैरह भी बहुत ज़्यादा टाइम्स डाउन होते हैं तो तब ये इशू दिखाई देता है। तो सर्वर जब डाउन होते हो तो तब आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। तो सर्वर डाउन हो रहे हो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पर फेसबुक को भी सर्च कर लेना होगा, ठीक है, और यहाँ से लेटेस्ट अपडेट इसका कर लेना होगा लॉगिन करने के बाद। एंड देन जो भी एप्लीकेशन हो जिससे आप इनडायरेक्टली इसको स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे भी आपको जो है अपडेट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा आपको सबसे पहले और फिर आपकी मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस अपने फ़ोन को बंद करके रखिएगा, बंद करके खोल के, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्टली ब्राउज़र को जो यूज़ करिएगा, या तो क्रोम को करिएगा, ठीक है, या फिर गूगल ब्राउज़र को करिएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी और को मत करिएगा वरना इस तरीके का इशू आ सकता है, ठीक है, या फिर फ्री फायरफॉक्स से करिएगा, जो ऑथेंटिक अच्छे ब्राउज़र हैं उनसे करिएगा, तो फिर आपका इजीली जो है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और आपको कोई इशू नहीं दिखाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।